what is your opinion about the projection of women in daily soap? कई बार जो क्रिएटिव पीपल व्हेन दे राइट द स्टोरी व्हेन दे डू द थिंग्स दे सी व्हाट इज हैपनिंग इन दिस सोसाइटी एंड दे ट्राई टू प्रोजेक्ट दैट इन सम केसेस देयर आर एक्सट्रीम्स व्हिच आर डिपिक्टेड सर्टेन केसेस दे डू नॉट रियली टेक द इशू एट हैंड सो सीरियसली ऐसा समझिएगा एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग में एक तरफ से रेवेन्यू आ रहा है रेवेन्यू को समझिए कि पानी के रूप में ले लीजिए उस पानी को आप ऊपर पहुंचा रहे हैं उसके ऊपर वाली टंकी में तो पहले तो जब ऊपर पानी जा रहा है तो 65 किस्म के अलग अलग टैक्स लगे हुए हैं और वो व्यवस्था इतनी गली सड़ी है कि वो पाइप सब जगह लीक करते हैं जितना पैसा आप ऊपर पंप करते हैं उसका 20% ऊपर पहुँचता 80% निकल जाता है चाहे सबसे पहले सब गुरुजनों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम लेकिन आज मुझे दिल से इतनी प्रसन्नता है कि महर्षि कर्वे के द्वारा शुरू की गई इस महिला यूनिवर्सिटी में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ वी हैव बीन having debates in the country all over the media television newspapers online social media have we really got independence have we got independence in the areas of social structure have we got economic independence political independence yes we all got full freedom to say anything what we like where we like we can criticize anyone that freedom we have got maybe there are about 100,000 200,000 maybe 1 million people in the country those have got all kind of freedoms whether it is economic social not all 1.2 billion people when I go to the rural India And actually, there is a big debate you will see soon in this coming year that India and Bharat, they are two different entities. It has become that way. We people living in the urban area, having the comforts of all push-button technology, everything, and you see in the rural India, very different picture. Just about 25 years back when I first time visited the Adivasi area, and particularly you girl students you will be stunned to hear 45 years of independence later in that Adivasi area when we were sitting Adivasi women were coming to meet us one woman will come she will go inside then the other one will come you will question why because those 8-10 women of that small area had only one good cloth to wear one good sari to wear she will wear she will come she will go inside she will give that to somebody else and come I was with my children I told them that don't you feel like that as if we are a criminal person here hamare cupboard mein 10 20 50 100 set kapdon ke honge फिर भी श्रीमती जी को आज शॉपिंग करने के लिए जा रही कपड़े और लाने अभी सीजन आ रहा है शादी आ रही है वो करना है ये करना है तो मुझे लगा कि हम तो बड़े एक किस्म से अपने ऊपर ग्लानी सुन के हुई और दूसरी ओर एक और देखिए एक आदिवासी के झोंपड़े में मैं बैठा तो उन दिनों में उसने बताया कि छप्पर के नीचे वो आम की गुठलियाँ सुखा के रख रहे थे कुछ और फल सुखा के रख रहे थे सो आई सेड व्हाट इज दिस ही सेड सब बारिश के दिनों में 4 महीने हमको फ्रेश खाना नहीं मिलता तो ये सुखा के जो रखते हैं इसी को खाते हैं झोंपड़े के बाहर गाय बंधी हुई थी तो मेरे मुंह से अनायास निकला
कि भैया आपके बच्चों को दूध तो गाय का मिल ही जाता होगा उस दौरान में भी। जो जवाब उसने दिया, अगर उसकी मर्म को पहचान ले हम सारे भारतवासी, तो सच्ची आज़ादी मिलेगी। उसने कहा कि बाबू मुझे बताओ आपकी माँ का दूध किसने पिया? मैंने कहा मैंने पिया, मेरे भाइयों ने, मेरे बहनों ने पिया, और किसी ने तो नहीं पिया। तो ये बछड़े गाय का दूध मेरा बच्चा कैसे पिएगा? गाय का दूध तो उसके बछड़े के लिए है। ऐसी सरलता, ऐसा सच्चापन इस देश के लोगों में है, लेकिन उनको ये आज़ादी नहीं है कि जिस प्रकार का भोजन वो करना चाहें वो कर सकें, अपना तन ठीक प्रकार से ढक सकें। गांव में बाहुबली कमज़ोर को ना सताए, सताते हैं। आज़ादी कहाँ मिली? अपने बच्चे को या बच्ची को अपने हिसाब की शिक्षा वो दे सके, उसकी आज़ादी उसको अभी तक नहीं है। गांव में अभी भी स्कूल नहीं है, स्कूल है तो वहाँ मास्टर नहीं है। ऐसा नहीं कि इस देश में फिर भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, प्रोग्रेस नहीं हुई। प्रोग्रेस हुई तो केवल ऐसे लोगों की तरह वजह से हुई जैसे महर्षि कर्वे ने ये इंस्टीट्यूशन शुरू की, जैसे कि और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने देश को स्वाभिमान की से जीने की एक प्रेरणा दी, और बहुत से लोग हुए जिनकी वजह से देश में ये प्रगति हुई। गार्जियन अखबार में 17 मई 2014 को एक महिला जर्नलिस्ट ने बड़ा आर्टिकल लिखा, सुबह मैं देख रहा था, मैं लेके आऊँ आप लोगों को दिखाऊंगा, नहीं तो मैं भेजूंगा ज़रूर, आपको पढ़िएगा उसे। दैट लेडी राइट्स दैट इन ट्रू सेंस इंडिया हैज़ गॉट फ्रीडम नाउ विद द सेलेक्शन ऑफ दिस न्यू गवर्नमेंट, न्यू प्राइम मिनिस्टर मोदी। एंड शी गेव द रीजनिंग, शी हैज़ रिटन दैट सो फार वट एवर वॉज हैपनिंग इन इंडिया आफ्टर द इंडिपेंडेंस, इट वॉज द सेम British thinking, British rule in the form of the local Indian people. And she has given in great detail how. Even today, India is the only country, we are the only country, madam, which has got 5.5 hour difference from the GMT. No other country, every country would be 4 hours, 3 hours, 5 hours, 10 hours, 12 hours. Nobody half an hour difference. Has anybody thought why? British people ruling in India here so that they could easily look at what is the time in London, they made it 5.5 hours. And we are still continuing. Even today, You must be, many of you must be traveling in aircraft. Every aircraft ka number, aapne dekha hai? Registration number, like on the vehicle, like on your scooter, like anything. It says VT, then whatever three-digit name you say. What does VT mean? Victoria Territory. I mean, this is, where is it? These are few little things which we look at, and problem is why we have not got those. Majority of the people haven't got freedom from hunger, from social discrimination, and so on and so forth, because the nexus between people like me, businessmen, bureaucrats, politicians, all together, they don't want to change. They don't want people, they don't want to release the power and the control which they have. And when this man, in last 15 years, he's trying to do something different, change the system, everybody says, kuch nahi ho raha hai desh mein, 15 mahine hue bole kuch nahi ho raha. He said, why are you, people are spreading helplessness in the country. So many things they are doing, it may not have immediate reaction, it may not have immediate, he has not given painkiller to us, but he's working hard. And that's why I say to everybody that we all have to contribute. It is not one person responsibility. When Maharishi Karve started this institution, did he think of that what is he going to get out of it? I don't think so. Even today, when we
see the man-dominated society, we, of course, on one hand, घर की जो औरत है वो घर की धुरी मानी जाती है आज भी इस देश में. उसी के इर्द गिर्द पूरा परिवार घूमता है, पूरी इज्जत भी होती है, लेकिन साथ साथ ये भी होता है कि वुमेन को कमज़ोर समझते हैं. मनुष्य जो आदमी लोग हैं, हम औरत को कमज़ोर समझते हैं और ऐसा माहौल बना के रखा है कि शायद वो पूरा जितना आदमी पुरुष जो काम कर सकते हैं महिला नहीं कर सकती. तो मैं कई बार अपने दोस्तों से कहता हूँ कि भैया वो 9 महीने तक पेट में बच्चा रखती है, तुम्हें अगर ज़रा सी तकलीफ़ भी हो जाए, अगर तुम्हें हाथ में प्लस्तर भी रख के चलना पड़े ना, उसका वज़न 1 किलो होता है, उसको भी आप कहने लगते हो 15 दिन बाद कि यार ये पता नहीं कब हटेगा. उसकी जो ताकत है उसको मनुष्य पहचान नहीं रहा है. क्योंकि ये आपसे मैं कहूँगा, खासकर स्टूडेंट्स से, कमज़ोर मत समझिए अपने आप को. आप जो कर सकती हैं आदमियों से ज़्यादा कुछ कर सकती हैं. किसी प्रकार की कमज़ोरी आप में वो ऐसा नहीं मानना चाहिए.